नमस्कार, मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं सिटी तहलका। और इस वक्त तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं पानीपत इंसार बाजार से। धनतेरस का दिन है और लगातार यहां पर ग्राहक, आप भीड़ देख पा रहे हैं कि अंदाजा उससे लगाया जा सकता है कि लगातार ग्राहकों का आना जारी है। तमाम महिलाएं, पुरुष, बच्चे, छोटे बड़े, बुजुर्ग, हर तरह का जो ग्राहक है आज बाजारों में खरीदारी के लिए निकला है। और बाजार भी अच्छी तरह से ग्राहकों के स्वागत के लिए सजाया जा चुका है, ये देख पा रहे हैं तस्वीरों में कि बाजारों को भी सजाया गया है त्योहार पर। लोगों से भी जानेंगे कि क्या लोगों का कहना है, खरीदारी कर रहे हैं या नहीं है, पैसा उनके पास है या कम खरीदारी कर रहे हैं, तमाम सवाल होंगे। क्योंकि पिछली बार जो दिवाली थी, कोरोना की वजह से दिवाली फीकी रही लोगों की, बाजार में नहीं निकल पाए थे। सांकेतिक दिवाली लोगों ने मनाई थी, लेकिन अब की बार आज़ादी है दिवाली मनाने को लेकर के। हालांकि कोविड के नियमों की जरूर बात कही जा रही थी, पर आजकल खैर ना तो केस है, कोई कोविड के, कोरोना के कोई केस नहीं आ रहे, जिसके चलते आदमी भी निर्भय हो चुका है। और इस तरह से ही आप देख पा रहे हैं कि हर तरह के जो दुकानें हैं उस पे लोगों का आना, मार्केट्स में आना लगातार जारी है। दुकानों में भी जाएंगे हम लोग कि किस तरह की, क्योंकि धनतेरस के दिन ज़्यादा दिन जो चीज़ें हैं, गहने, बर्तन खरीदे जाते हैं, चांदी के गहने हैं, सिक्के हैं और बर्तन हैं, उनकी खरीदारी की जाती है। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं ज्वेलरी की दुकान से। क्या लगता है कि धनतेरस का दिन है, कुछ लोग ग्राहक आ रहे हैं या नहीं है, किस तरह की दिवाली है आपकी बात? आ रहे हैं सर, ग्राहक आ रहे हैं, बहुत अच्छी जा रही है दिवाली। अच्छा, हाँ जी। हम पिछली बार को लेकर के, पिछली बार तो नहीं मना पाए थे लोग, ना ग्राहक था ना उनके पास पैसा था कोविड के चक्कर में। नहीं, इस बार तो उससे ज्यादा ठीक है। ठीक है, हाँ जी, अब ठीक है, आ रहे हैं ग्राहक, आ रहे हैं। शुरुआत है अभी तो, सुबह सुबह का टाइम है, 2 बजे के बाद ही ग्राहक निकलता है। हाँ जी, हाँ जी, 2 बजे के बाद ही लगता है ग्राहक। तो कुछ लगता है आपको, उम्मीदें हैं कुछ? जी सर, जी सर, जी जी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा जाएगा, भोले बाबा कृपा से बहुत अच्छा जाएगा। जी सर। तो ये तो ज्वेलरी की दुकान है, दूसरी तरफ और है। हालांकि ग्राहक आप देख पा रहे हैं कि ग्राहक खरीदारी करने के लिए दुकानों पर पहुंच जरूर रहे हैं। ग्राहकों से भी जानेंगे और दुकानदारों से भी पूछेंगे कि भाई किस तरह का क्या रिस्पॉन्स रहा। पिछली बार तो कोविड खा गया था हमारी दिवाली को, और अब की बार क्या लगता है आपको? इस बार पहले से काफी अच्छा रिजल्ट नजर आ रहा है। ना आने से तो कुछ तो अच्छा है। हाँ, ये तो फर्क पड़ता ही है। पिछली बार कोरोना के कहर के कारण दिक्कत थी, इस बार कुछ मतलब काफी हद तक कुछ सुधार है बाजार का। आंटी कहाँ से आयो? आई आई। कहाँ से आयो आप लोग? यहीं से, पानीपत से। अच्छा, क्या खरीदारी करेंगे आज, धनतेरस के दिन है, क्या गहने खरीदेंगे, बर्तन खरीदेंगे या किस तरह से, कुछ है पैसा वैसा है या खाली एक भी, चलो त्योहार है, जरूरी है, रसम तो निभानी पड़ेगी, क्या लगता है आपको? थोड़ा थोड़ा सब कुछ लेंगे, थोड़ा ये ले लेंगे सोना, थोड़ा बर्तन ले लेंगे। चलो दूसरी तरफ और चलते हैं, पूरी मार्केट में आपको दिखाऊंगा कि बाजार लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। क्योंकि हालांकि धनतेरस के दिन जो है, 2 बजे के बाद ज्यादा खरीदारी करने के लिए यहाँ पर
लोग आते हैं। अभी शुरुआत हुई है ग्राहकों की और अभी शुरुआत हुई है ग्राहकों की, लगातार उनका आना जारी है और अभी यह हाल है। तो शायद हर बार ऐसा दिखता है कि यहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं होती। फिर से आप देख पा रहे हैं कि ज्वेलरी की दुकान है और यहाँ पर खरीदारी करने के लिए लोग पहुँच रहे हैं। ये फिर से सामने आप देख पा रहे हैं कि ज़्यादातर जो खरीदारी आज के दिन होती है ज्वेलरी की होती है, कपड़ों की बजाय ज्वेलरी और बर्तनों पर ज़्यादा ध्यान होता है लोगों को। और देखिए आप बर्तनों की दुकान में भी भीड़ देख सकते हैं, कोई ना कोई कुछ ना कुछ ग्राहक जरूर यहाँ से आज के दिन जरूर खरीदारी करता है। क्या ले रहे हो आप? आज धनतेरस है, कुछ ना कुछ लुटिया ली है। हाँ। इसी में काम चल जाएगा? हाँ, चल जाएगा भैया। मतलब दिवाली जरूरी है, रसम भी निभानी है। हाँ। क्या क्या कारण लगता है आपने एक छोटी सी लुटिया में ही काम चला दिया? ठीक है, पैसा नहीं है क्या? ना है भैया पैसा, बर्तन बहुत है भैया, अगर बर्तन काफी है। हाँ। पर लेकिन खरीदारी जरूर करनी थी आज, इसीलिए चलिए। आपने क्या लिया है? मैंने टोकनी ली है भैया। अच्छा। हाँ, इसको लक्ष्मी माता के लिए, पूजा के लिए जी। और पूछो कैसी रही आज, क्या क्या खरीदारी करोगे? धनतेरस का दिन है और कहाँ से आए हो? हम बड़ोली से आए भैया जी। पहला इसकी उस दुकान पर मुहूर्त कराया है। ठीक है, क्या क्या खरीदोगे आज या दिवाली किस तरह से खरीदारी करोगे? पैसा है जेब में या खाली रसम निभाओगे? किस तरह का क्या लगता है पिछले साल की बजाय? सब कुछ है माता रानी की दया, तो मोजे मोज है भाई। ठीक है ना बात? और बहुत बढ़िया निभाओगे। ठीक है, यू अंकल भी हमारे साथ है, इसके इस ग्राहक हम। ठीक है, आप बताइए क्या लगता है, रिस्पांस मिल रहा है? शुरुआत हुई है हालांकि एक बजा है, पहले से थोड़ा कम है। हाँ। बाकी खरीदारी कर रहे हैं लोग, आ रहे हैं। आ रहे हैं। हाँ। चल जाएगा काम गुजारा। हाँ। शाम होते होते उतना हो जाएगा। हो जाएगा। चलिए दूसरी तरफ भी चलते हैं और हालांकि ये देखिए आप सजावट के लिए जो यहाँ से खरीदारी की जा रही है दिवाली पर घरों को सजाने के लिए, कमरों पे बिंदरवाल इसको बोलते हैं, बिंदरवाल खरीदारी कर रही हैं महिलाएं हैं। ये दूसरी तरफ और है, हर कोई अपने तरीके से त्योहार को मनाता है, कोई किसी तरह से, कोई किसी तरह से। और देख पा रहे हैं कि बाजार भी ऐसे ही त्योहार है क्योंकि दिवाली का, और इसके लिए पूरी तरह से ग्राहकों का इंतजार कर रहा है। सजावट भी बाजार में आप देख पा रहे हैं, हर दुकान पे सजावट की गई है कस्टमर्स को की, ताकि अच्छा फील आए और अच्छी फील के साथ खरीदारी करें लोग। क्या लगता है ग्राहक आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? अभी बहुत कम है, पहले कम से है। पहले से काफी कम है। पैसा है लोगों के पास? पैसा है, पता नहीं खर्च कर रहे या नहीं कर रहे, लेकिन अभी तक कोई इस तरह रिस्पॉन्स मिल नहीं रहा अभी तक। जो पहले जो पिछले साल था वो इस साल नहीं है। पिछले साल तो और भी कम था। कम था लेकिन बट इससे थोड़ा बेटर था, इससे ठीक था। हाँ ठीक था, इस बार थोड़ा अभी रिस्पॉन्स बना नहीं है, हो सकता है शाम तक बन जाए मार्केट, लेकिन अभी तक कोई चांस लग नहीं रहा सर। अभी इस टाइम जो कस्टमर आ रहा है वो 10-20-50-100 रुपए का, मोटा कस्टमर कोई नहीं आ रहा, चलता ग्राहक आ रहा है, चलता ग्राहक आ रहा है। ठीक है, ओके। तो दूसरी तरफ और चलते हैं, आपको तस्वीरें ये देखिए। फिर जहां भी आप देखेंगे, जिस भी दुकान पे देखेंगे, हर दुकान पर ग्राहक खड़ा नजर आ रहा, खरीदारी करता हुआ नजर आ रहा है, और गली से लेकर के नुक्कड़ तक हर जगह आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा कि ये देखिए आप, ये लाल बत्ती की साइड से जो भीड़ है वो लगातार बाजार के अंदर, मार्केट के अंदर घुसती जा रही है। ये कपड़ों की एक दुकान है, देखिए कैसे सजाया गया है इसको। Thank you.
महिला दुकानदार है और उनसे भी जानेंगे कि किस तरह का रिस्पॉन्स उनसे उनको मिल रहा है। हालांकि देखिए आप दुकान के अंदर अच्छी तरह से अच्छी कलेक्शन के साथ यहाँ पर कपड़ों को लगाया गया है और उनसे जानेंगे भी किस तरह का क्या आ रहे हैं ग्राहक या नहीं आ रहे हैं। नहीं क्या बताइए क्या करे ये ऐसा भाई, इधर कस्टमर इधर ही पड़ते सारे, इधर नहीं रुकते कस्टमर, वेट अच्छा। करते हैं आगे जाते हैं बस इधर आते हैं। हाँ आते हैं कस्टमर, वेट करके चल जाते हैं आगे। भाई ये हाल है, बाबू जी काम तो है बाजार में, फुल भीड़ है बाजार में, इधर कस्टमर आते रेट करके जाते आगे लेके आते हैं बस। हाँ चलो, ये भी इनकी एक अलग परेशानी है। ये देखिए घरों को सजाने के लिए दीवारों पर तस्वीरें लगाई जाती हैं दिवाली के दिन, जिसकी जैसी इच्छा है उसी को अपने हिसाब से त्यौहार आदमी मनाता है। घड़ियां देख पा रहे हैं आप बाजार के अंदर की, बाजार के बाहर ही गली के बाहर बने रहिए हमारे साथ, और थोड़ा सा 2-3 मिनट और जरूर लूंगा। एक और ज्वेलरी की दुकान है और अच्छी भीड़ है हालांकि यहाँ पर देखने को मिल रही है, और ज्वेलरी की दुकान है, ग्राहकों से भी जानेंगे और यहाँ पर दुकानदार हैं उनसे भी जानेंगे। क्या लगता है भी अब की बार आज धनतेरस का त्योहार है और खरीदारी करने के लिए लोग आ रहे हैं, कैसी क्या रिस्पॉन्स शुरू ही हुआ है? अभी शुरू हुआ है, मंदा रहेगा या ग्राहकों के हिसाब से क्या? अभी शाम तक पता लगेगा ना, शाम तक पता लगेगा। पिछले साल की बजाय क्या लगता है आपको? वैसे चल रहा है, पिछले साल की बजाय वैसे चल रहा है उतना ही। ठीक है, आप क्या खरीदारी करने आए हो? आज धनतेरस का दिन है, क्या खरीदेंगे आज? कपड़े, बर्तन, ज्वेलरी? ज्वेलरी खरीदा। ज्वेलरी? अच्छा चल रहा है, ठीक है। तो एक आखिरी दुकानदार और हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सिटी तहलका पर स्वागत आपका, और क्या रिस्पॉन्स है आज धनतेरस का दिन है, ग्राहक कैसा रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है? बाजार के अंदर आवागमन ज्यादा है पब्लिक का, पर कस्टमर नहीं है, सभी दुकानदार खाली बैठे हैं, कस्टमर की जेब में पैसे नहीं हैं। दुकानदार, हर दुकानदार किसी भी तरह का हो, चाहे वो कोई भी काम करता हो, सब ही परेशान है। हालात ये देख सकते हो कि सब वर्कर खाली बैठे हुए हैं, पैसा नहीं है। एक तो त्योहार एक सार एक इतने सार, सारे 8 त्योहार आने का कारण कि कस्टमर की जेब में पैसे नाम की चीज ही नहीं है। करवा चौथ, दीपावली, भैया दूज, गोवर्धन पूजा, धनतेरस, ये इकट्ठे त्योहार आने के कारण, स्कूल खुलने के कारण, ये सभी बातें इकट्ठी करते हुए पब्लिक का आवागमन है, बाजार खचाखच भरे हुए हैं, पर खरीदार नहीं है। तो तस्वीरें आपने पूरी मार्केट की देखी, इंसार बाजार से लाइव तस्वीरें दिखा रहे थे हम आपको, दूसरी तस्वीरें भी पानीपत के अलग अलग क्षेत्र से
और शाम के टाइम भी कैसे हालात रहने वाले हैं, तमाम तस्वीरें हम आपको सीडी तालिका के माध्यम से दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।